हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टेबल फैन पंखा बनाएंगे और आप वीडियो अंत तक ध्यान पूर्वक स्थिर से देख लीजिए और आप समझ लीजिए। और आपके घर में इस किस्म का आपके पास फॉल्ट आए तो आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सप्लाई लाइन देंगे। दोस्तों, ये देखिए, हम यहाँ पर सप्लाई लाइन देते हैं और सप्लाई लाइन दोस्तों हम इसमें सीरीज सप्लाई लाइन देंगे। बनाने के प्रक्रिया में हम दोस्तों सीरीज लाइन देंगे। तो सीरीज लाइन देने से हमें बहुत से फायदे हैं। अगर आप सीरीज बोर्ड बनाना जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज बोर्ड बनाने का विधि का वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए और सीरीज बोर्ड अपने घर में बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें सीरीज सप्लाई देते हैं। ये देखिए, और यहां पर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा सीरीज लाइन देने के बाद हमारा सीरीज बल्ब जल गया है, लेकिन पंखा हमारा नहीं चल रहा है। और दोस्तों, पंखा में एक प्रकार के हमिंग की आवाज़ भी है और पंखा हमारा नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड में सप्लाई देने से हमें यही फायदा हुआ कि हमारा सबसे पहले पता चल गया कि एसी मेन कोड हमारा सही है। तो दोस्तों, सप्लाई लाइन देने के बाद हमारा पंखा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका पंखी कि दोस्तों इसका जो पंखी घूम रहा है वह पंखी जाम तो नहीं है। अगर पंखी जाम नहीं होगा तो हम इसका क्वाइल चेक करेंगे। इसमें एक पिन क्वाइल का कनेक्शन कटा हुआ होगा या कंडेंसर हमारा खराब होगा। तो सबसे पहले चलिए इसका जाली खोलते हैं और पंखी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका जाली खोल दिया, पंखी घुमा कर देखते हैं। ये देखिए, हमारा पंखी जो है दोस्तों जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें हम सप्लाई एक बार देते हैं और घुमाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पंखी को खोलेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मोबिल या नारियल का तेल हम डालेंगे। ठीक है, इसके रोटर में देखिए दोस्तों, हम इसको खोल दिए हैं और सबसे पहले दोस्तों यह थोड़ा सा इसका बूस भी कटा हुआ है, आगे पीछे ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर नारियल तेल या मोबिल डालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यह फ्री होता है कि नहीं। दोस्तों, दो बूंद हम इसमें तेल डाल दिए हैं तो यह फ्री हो गया है। देखिए, यह बिल्कुल फ्री है। चलिए अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह पंखा चल रहा है लेकिन इस पंखा से आवाज़ भी आ रहा है, यानी इसका बूस भी कटा हुआ है। तो हम इसका बूस ही लगा देंगे। पंखा चल रहा है कि नहीं, चलिए आपको पंखी लगाकर और स्टार्ट करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए पंखी घुमाने के बाद अब ज़्यादा देर तक यह घूम रहा है, यानी यह फ्री हो गया है। पहले यह जाम था। और सप्लाई देते हैं सीरीज सप्लाई। तो देखिए दोस्तों, यह पंखी जो है दोस्तों, पंखा हमारा चल रहा है लेकिन इसमें से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पहले भी सुने हैं, इसमें से आवाज़ जो है दोस्तों हमारा आ रहा है। तो जो ज़्यादा ढक है उसके लिए हम एक बूस दे देंगे, या यहाँ पर वाशर दे के और इसको टाइट कर देंगे और इसका बूस वगैरह जो ख़राब होगा वह बदल देंगे। तो सबसे पहले हम पंखा खोल लेते हैं, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ख़राब है। देखिए दोस्तों, पंखा खोलने के बाद हमारा पंखा के रोटर में यहाँ पर एक भी वाशर नहीं है, सारा वाशर इसका कट गया। खोले हैं तो सारा यह टूटा हुआ निकला है। देखिए दोस्तों, नीचे गिरा हुआ है, यह दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह टूट कर गिरा हुआ है। तो दोस्तों, इसके जगह पर हम नया वाशर लगा देंगे। यह देखिए, हमारे पास नया वाशर है, इसको हम अब इस रोटर में लगा देते हैं। इसी की वजह से आगे पीछे हमारा हो रहा था। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें हम यहाँ पर वाशर लगाते हैं इसको, और वाशर लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा दोस्तों हम ग्रीस लगा देंगे हल्का, क्योंकि पीछे से चिकना हुक है और दोस्तों वाशर कट गया था, इसी की वजह से यह जो है दोस्तों कभी कदाल आवाज़ कर रहा था इसमें से। मात्र इसमें दोस्तों हल्का ग्रीस लगाएंगे ताकि बूस में और इसको अच्छी तरह पकड़े, और दोस्तों यह फ्री होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा इसको खोल नहीं पाए हैं, यह ऐसे हो गया दोस्तों। अब चलिए हम इसमें इसको कस देते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसका दो नट सिर्फ कसे हैं, ये दोनों वाला अभी नहीं कसे हैं। और अब पंखा देख लेते हैं इसका रोटर। तो रोटर में देखिए दोस्तों, अब ढक दोस्तों इसका ख़त्म हो गया है। इसमें दोस्तों हल्का ढक रहना चाहिए, तभी पंखा फ्री चलेगा। देखिए दोस्तों, इतना इसका ढक हल्का रहना चाहिए, तभी यह पंखा अच्छा चलेगा। दोस्तों, यह ठीक हो गया, अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए चला के भी दिखा देते हैं। चलिए अब इसमें सप्लाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई देने के बाद हमारा जो है रोटर
बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें आवाज़ भी अब नहीं है। अब पंखी लगा के और आपको चला के दिखाएंगे। तो सारा पहले पीछे का नट वगैरह सब कुछ कस लेते हैं, उसके बाद आपको पंखी लगा के चला के दिखाएंगे। और दोस्तों, हमारा शॉप मेन रोड पे है और बहुत से गाड़ी आते जाते रहता है और बहुत से हमिंग उत्पन्न होता है, इसलिए हमिंग के आप गाड़ी के आवाज़ को रोकने के लिए हम वीडियो को रोक रोक कर शूट करते हैं, या वीडियो कभी के दाल हम काट के भी हटा देते हैं। इसके लिए है दोस्तों, हमें क्षमा करेंगे और गलत ना समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए सारा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इसका सारा नट कस दिए, कंडेंसर भी कस दिया, पंखी कस लेते हैं। दोस्तों, हम इसमें तेल या मोबिल डालेंगे तो 2 से 3 बूंद डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो अगर क्वाइल पे आपका चला जाएगा तो हमारा क्वाइल जो है दोस्तों जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस पंखी को कस दिए हैं, घुमा के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह एकदम फ्री है। अब चलिए हम इसमें सीरीज सप्लाई देंगे और देखेंगे कि यह पंखा जो है दोस्तों स्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है, अब चलता है अच्छा कि नहीं। यह देखिए दोस्तों, यह पंखा दोस्तों बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अब तो हम यह सीरीज सप्लाई देके चेक किया, अब इसमें चलिए बेड आउट सीरीज देते हैं और फुल सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों, पंखा का रनिंग भी बहुत